गुड मॉर्निंग टू ऑल। संकल्प बायो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज लेक्चर 1 टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव बीएससी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2024 के लिए आज लेक्चर देखेंगे, चैप्टर 1। तो आप सभी छात्रों का संकल्प बायो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 1। लेक्चर 1 शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। लोग बिना देरी के हुए चैप्टर पे आते हैं। तो हम लोग आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से यूनिसेक्सुअल कौन है। तो आप लोग को बता दे कि यूनिसेक्सुअल हमसे पूछा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है कि पपाया डेट पाम
8 pound, Cycas, Marquantia, ये सारे पौधे यूनिसेक्सुअल है। सारे पौधे क्या है? यूनिसेक्सुअल है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें से यूनिसेक्सुअल कौन है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा पापा? इसका करेक्ट आंसर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं। तो हम लोग बता चुके हैं कि गैमेटो का मतलब होता है गैमेट्स और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3rd पे आते हैं और कह रहा है कि व्हिच इन द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइसेक्सुअल, मतलब इनमें से ये चारों एग्जांपल दिए गए हैं, पपाया, मस्टर्ड, मेज, चाइना रोज। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से बाइसेक्सुअल कौन नहीं। जस्ट हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मस्टर्ड ये बाइसेक्सुअल है, मेज भी बाइसेक्सुअल है और चाइना रोज भी ये बाइसेक्सुअल है, मतलब ये तीनों बाइसेक्सुअल है। और पपाया जो है ये हमारा यूनिसेक्सुअल है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन फोर कह रहा है कि इनमें से व्हिच इज ओविपेरस, और आपको बता चुके हैं कि ओविपेरस का मतलब होता है अंडा देने वाली। तो हेन भी एग प्रोड्यूस करता है, स्नेक भी और क्रोकोडाइल्स भी, ध्यान रखना। लेकिन याद रखना एक नोट्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी ओविपेरस है। लेकिन एक बात याद रखना है कि इसके एग जो होते हैं एग वो कवर्ड रहता है, कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से ओविपेरस पूछा था, तो ओविपेरस हेन भी है और स्नेक भी है और क्रोकोडाइल्स भी, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। लेकिन एक नोट जरूर याद रखना है सभी बच्चे को, कि नोट में याद रखना है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी ओविपेरस है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी एग्स जो होती है वो कवर्ड होती है कैल्शियम कार्बोनेट्स। क्लियर है? तो इसका आंसर डी होगा। चल ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ ये बिहार बोर्ड में पूछा है, बीएससी बी ने पूछा था इसको, कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो ये फीचर किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें तो टू पेरेंट्स चाहिए, और इसमें कितने पेरेंट चाहिए? सिंगल पेरेंट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान देना। 6 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, मतलब क्रोमोजोम ह्यूमन गैमेट में कितना होगा। तो आपको बता दे ह्यूमन गैमेट दो ही होता है, या तो स्पर्म होगा या तो ओवम होगा। तो स्पर्म में भी क्रोमोजोम कितना होता है? 23, और ओवम में भी कितना होता है? 23। अगर मान लो, अगर यहाँ पे हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में दो ही होगा, एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। और इसकी क्रोमोजोम की बात करें तो मेल में कितना होता है? 44+XY, और ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑटोजोम्स है, याद रखना। ये हमारा क्या है? ऑटोजोम्स। और ये हमारा क्या है? ये वाला, ये हमारा है सेक्स क्रोमोजोम्स।
और फीमेल में अगर इसी तरह से हमसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, फीमेल में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, 44 प्लस एक्स एक्स ये दिया। तो अगर क्रोमोजोम नंबर पूछा था ह्यूमन गैमेट में तो ह्यूमन गैमेट में कितने क्रोमोजोम्स होगा, 23 होगा, ठीक है, लेकिन स्पर्म में भी 23, ओवम भी 23, ठीक। लेकिन अगर ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन दो होंगे, मेल और फीमेल, और मेल में क्रोमोजोम हमसे पूछता है तो 46 होगा। तो 44 इसमें क्या होते हैं, ऑटोजोम्स, और वन पेयर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स। ये भी बात आप लोग को क्लियर हो गया, बोलो यस या नो, आगे बढ़े। तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि which in the following is not a unisexual, मतलब इसमें से unisexual कौन नहीं है। तो पहले हम तो आपको बता दें, यहाँ पर भी एक नोट लिख लेना है, यहाँ पे हम चार एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक है हमारा अर्थवॉर्म, दूसरा है हमारा टेपवॉर्म, तीसरा है हमारा लीच, और चौथा है हमारा स्पॉन्ज। तो ये सारे जो जीव है, ये एनिमल्स है, ये सारे हर्माफ्रोडाइट्स या बाइसेक्सुअल बोल सकते। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से यूनिसेक्सुअल को एक नहीं है, तो कॉकरोच तो हमारा यूनिसेक्सुअल है, डॉग भी हमारा क्या है, यूनिसेक्सुअल है, कॉ भी क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो अर्थबॉम क्या है, बाइसेक्सुअल है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि यूनिसेक्सुअल कौन नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। क्वेश्चन आठ नंबर, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा था, बीएसईबी का क्वेश्चन, बैंक का क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से डिप्लॉइड कौन है, तो डिप्लॉइड का क्या मतलब, पहले तो समझ लो डिप्लॉइड का मतलब 2n, मतलब 2 सेट क्रोमोसोम्स। हाँ, तो एक भी हमारा क्या है, हैप्लॉइड है, ये हमारा हैप्लॉइड है, पॉलन भी क्या है, हैप्लॉइड है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों तो हैप्लॉइड है, तो हमारा डिप्लॉइड पूछा है, तो जायगोट क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, आंसर क्या होगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 50 क्वेश्चन का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कौन है, तो अभी जस्ट आप लोग को बता चुके हैं, अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, तीसरा हमारा क्या होगा, बोलो, लीच, और चौथा हमारा क्या होगा, बोलो, स्पॉन्ज। ये सारे हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स है, तो हेन भी तो नहीं होगा और स्नेक भी नहीं होगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एसिटा बुलेरिया क्या है, तो याद रखना है एसिटा बुलेरिया एल्गी, इसका करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़े, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हर्माफ्रोडाइट कौन नहीं है, हर्माफ्रोडाइट कौन नहीं है, ये मेरे भैया का इंस्टीट्यूट का है, इसलिए आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि संकल्प का नहीं है, ये मेरे भाई जी का खुद का अपना इंस्टीट्यूट है, इनका पैकेज है। तो निम्नलिखित में से हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कौन नहीं है, तो 11 का तो हर्माफ्रोडाइट की बात करें, जब भी कभी कोई हर्माफ्रोडाइट की बात करें, तो हर्माफ्रोडाइट में चार एग्जांपल तो आपके माइंड में होना ही चाहिए, अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, लीच, स्पॉन्ज, ये सब सारे हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े,
तो इसको भी हम लोग इरेज पहले कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन में अभी एक एक डिस्कशन कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो इसका क्या आंसर होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से हर्माफ्रोडाइट कौन नहीं है, नहीं तो हर्माफ्रोडाइट कौन है, ये टेप बम तो हर्माफ्रोडाइट है, ये भी हर्माफ्रोडाइट है, लीच भी हर्माफ्रोडाइट है, तो कौन नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। क्लियर है। 12 कि बॉनी फिश में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, तो बच्चे एक नोट यहाँ पे भी आप लोग सतर्क रहेंगे कि बॉनी फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एक एग्जांपल आप रट लेंगे अभी सार्क, सार्क में याद रखेंगे कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी फिश है लेकिन सभी फिश में एक्सटर्नल होता है, लेकिन याद रखना सार्क में ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी बिहार बोर्ड में ये बीएससीबी में पूछा था कि सार्क में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन बॉनी फिश में, तो बॉनी फिश में पूछेगा तो आप मार क्या होगे एक्सटर्नल। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड का पूछा गया है, बीएससीबी में पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाय हेल्दी वुमेन फीमेल, तो याद रखना कि हेल्दी वुमेन फीमेल अपने लाइफ टाइम में टोटल 400 एग प्रोड्यूस करता है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया, उसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। 14 नंबर पूछा है कॉपर टी जो है मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर IUDS है, इसका काम क्या होता है, इसका दो काम होता है, पहला सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, और दूसरा याद रखना कि रिड्यूस कर देता है फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को, रिड्यूस कर देता है, तो आप बोलो फर्टिलाइजेशन एबिलिटी स्पर्मेटोजोवा को, मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोवा को। अगर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ रहा है तो अगर बोल रहा है कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर क्यों है, तो हमेशा याद रखना कि ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर, और यहां पे एक और बात आप लोग याद रख लेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर लेंगे, कॉपर रिलीजिंग IUDS के बारे में अगर पूछता है तो इसका तीन एग्जांपल होता है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, और इसमें याद रखना अगर पूछे कौन सा मेटल्स होता है, याद रखना कॉपर। क्लियर है यहां तक, तो बोलो यस। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब बर्थ और नेचुरल डेथ के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लाइफ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्लोन बोलते हैं, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर मान लो अगर यहाँ पे टिश्यू कल्चर सोमा क्लोन, हम लोग हमेशा याद रख लेंगे कि टिश्यू कल्चर में प्रोड्यूस होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे नोट के लिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, 17 कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो ध्यान रखना है अमीबा, पैरामिशियम, मिशियम,
इस दोनों में याद रखना है कि इसमें बाइनरी फ्यूजन, मतलब अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन होता है, क्लियर है। और इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल अगर आपसे पूछता है तो अमीबा पैरामीशियम में तो ये हो गया सिंपल सवाल कि बाइनरी फ्यूजन होता है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रख लोगे, एक और पॉइंट इसमें आप डिस्कस कर दे रहे हैं थोड़ा ध्यान कि अगर तो अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर जाएगा बाइनरी फ्यूजन, आंसर क्या जाएगा बाइनरी फ्यूजन। तो लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे एक हम नोट लिख देना बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन आपसे अगर पूछा जाता है आप बोलोगे युगलीना, युगलीना। अगर आपसे पूछा ट्रांसवर्सल बाइनरी फ्यूजन क्या किस लोग, ट्रांसवर्सल बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, तो आप बोलोगे पैरामीशियम। अगर सिंपल पूछता कि बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा और दूसरा पैरामीशियम, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, 17 डिस्कस कर दिए हैं, 18 कि पेनिसिलियम में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो याद रखिएगा पेनिसिलियम में कोनिडिया से होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है, ठीक है। अगर पूछता गैम्यूल्स किस में होता है, तो आप बोलोगे गैम्यूल्स स्पॉन्ज। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो आप बोलोगे यूलोथ्रिक्स, एस्पायर वगैरह। बडिंग किस में होता है, तो बडिंग का दो ही उदाहरण याद रखना, हाइड्रा और क्या। 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो पेनिसिलियम का रिप्रोडक्शन, पेनिसिलियम में जो कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो कोनिडिया से होता है, तो इसका आंसर डी होगा। लेकिन आपको बडिंग का अगर पूछता है एग्जाम में कि बडिंग, तो आप बोलोगे हाइड्रा और फ्रेगमेंटेशन, यूलोथ्रिक्स और स्पायर वगैरह, गैम्यूल्स, स्पॉन्ज। क्लियर है, बोलो। यहां तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट आपके मन में हो रहा है। देखो क्वेश्चन एक एक बात को डिस्कस कर देते हैं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं पर्पस है कि आपको आंसर बस बता दें, आपको सारा पॉइंट डिस्कस कर दें। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, तो आप बोलोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होता है, मंकी। ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीएससी भी पूछा है, मंकी, एप्स और वुमन, ये तीनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मंकी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, एप्स में भी, ह्यूमंस में भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा था कि डज नॉट शो द ओस्टलस साइकिल। अभी जस्ट बताए हैं कि काउ तो ओस्टलस साइकिल शो करता है, सीप भी, मंकी नहीं शो करता, क्योंकि मंकी कौन साइकिल शो करता है, मंकी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करता है, डॉग ओस्टलस साइकिल। तो काउ भी ओस्टलस, ओस्टलस सीप भी ओस्टलस, मंकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करेगा, डॉग्स भी ओस्टलस, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, तो 20 का सी। 21 नंबर सिंपल सवाल है कि गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ये रिपीट हो गया है, इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। 21 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं,
50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, और यूट्यूब पे हम डाल देंगे वीडियो को, आप लोग आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा था कि इसमें से यूनिसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट नहीं है, तो ये तो हर्माफ्रोडाइट अभी जस्ट बता चुके हैं आप लोग, ये भी हर्माफ्रोडाइट है, ये भी हर्माफ्रोडाइट है, तो हर्माफ्रोडाइट अगर नहीं पूछा ना तो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर नॉट एसेंशियल फॉर एनिमल ट्रांसपोर्ट, तो कह रहा है कि पानी की जरूरत, तो आप लोग को बता दे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, याद रखो वाटर जरूरी। ये तीनों ऐसे हैं लोअर प्लांट्स जिसमें गैमेट के ट्रांसफर के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की, और यहाँ पे नोट लगल है इसलिए इसका आंसर डी होगा, करेक्ट आंसर 23 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, मतलब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट इम्ब्रायोजेनेसिस इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हम लोग, कि ओगोनियम क्या है, तो ओगोनियम याद रख लेंगे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसका आंसर ये। आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, कि निम्नलिखित में से नोट यूनिसेक्सुअल, मतलब इसमें से यूनिसेक्सुअल कौन है, तो आपको बार बार कह रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है, अर्थकॉम हार्माफ्रोडाइट, ये बाइसेक्सुअल, इसीलिए इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पे आ 27 पे हम लोग आते हैं, और 27 का क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनना अच्छे से, कि निम्नलिखित में से डिप्लॉइड पैरेंटल बॉडी के साथ, मतलब एस्प्रोफाइट रहेगा लिखा हुआ कि एस्प्रोफाइट, तो याद रखना कि यहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फंगी, ये सब सारे, ये तीन जो हम बता, ये सारे जो है ये गैमेटोफाइट, मतलब हैप्लॉइड पैरेंटल बॉडी, इसका हैप्लॉइड पैरेंटल बॉडी, डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी, तो हम आंसर क्या जाएगा, डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी है, ये तो एंड होता है, ये भी एंड, ये भी एंड होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो आप लोग को बता दें फिश में एक्सटर्नल होता है, एल्गी में एक्सटर्नल, और एम्फीबियन भी, ये तो फिश के इसमें भी एक्सटर्नल होता है, तो हमारा इसमें याद रख लेंगे एंजियोस्पर्म जिसको क्या होता है इंटरनल, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़े 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, 50 क्वेश्चन डाल देते हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिए सोल्व करके, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सोल्व किया गया एक क्वेश्चन से। 29 नंबर कह रहा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत, कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, सही बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमेट का फ्यूजन भी होता है, और ये भी बात आप लोग को पहले से पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स होते हैं, एक गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट ट्रांसफर, ये भी सही है, ये भी सही है, सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गैमेट डिप्लॉइड होता है, नहीं गैमेट क्या होते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड होता है, गैमेट क्या होता है हैप्लॉइड, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एसेक्सुअल मींस, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस,
इसका आंसर क्या जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा, ये थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ तक तीन चार क्वेश्चन का हम आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं। इकतीस नंबर कह रहा है ओव्यूल से सीड बनता फर्टिलाइजेशन के बाद और ओवरी से, याद रखना है कि फिर फ्रूट्स बनता है और ओवरी वाल से क्या बनता है, ओवरी वाल से पेरिकार्प बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है ओव्यूल डेवलप इन व्हिच स्ट्रक्चर फॉर्म द पेरिकार्प, यहाँ पे लिखा मतलब पेरिकार्प बनाता कौन है, ये क्वेश्चन था यहाँ पे। व्हिच स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम पेरिकार्प, तो पेरिकार्प मतलब होता है ओवरी वाल, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इसमें कोई आंसर नहीं है। तो आप याद रख लेंगे कि ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओवरी वाल से पेरिकार्प बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 कर देते हैं, 50 करने में भी वो आधा घंटा लगेगा, कर दो ना, मेरा छोड़ दो ना, अभी कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो याद रखना कि बाइंड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन अमीबा एंड बैक्टीरिया, ये बात सही है। हाइड्रा जो है ये सेक्सुअली बाय बडिंग, याद रखना अभी जस्ट आप लोग को बता चुके थे कि बडिंग जो है, बडिंग की बात करें तो इसमें हम लोग दो ही याद रख लेंगे, हाइड्रा और क्या रख लेंगे, ये भी बात सही है, मतलब बी भी सही है सी भी सही है। और इस डी ऑप्शन में लिखा है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर वंस इन टू इयर्स, नहीं ये टू इयर्स के बाद नहीं, याद रख लेंगे 12 इयर्स के बाद फ्लावर, इसीलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 34 पर हम लोग बात करते हैं कि न्यू प्लांट का डेवलपमेंट जो लीव्स से होता है, तो याद रखना कि लीव्स से दो ही में होता है, याद रखना ब्रायोफाइलम इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। तो और यूफोर्निया को तो आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, इसको टेरर ऑफ बंगाल, मोस्ट वर्ल्ड के वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड्स है, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड्स है, ध्यान रखना है। इसके लिए हमसे पूछा था सिंपल समान की न्यू प्लांट लीव से जो डेवलप होता है, इसके लिए आंसर होगा ब्रायोफाइलम, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं हम लोग कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो अभी आपको बता चुके हैं कि एल्गी हो, इसके बाद फिश, रेप्टाइल्स में ध्यान रखना, बर्ड्स में, मैमल्स में, ये सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, रेप्टाइल्स में इंटरनल होता है, इंटरनल होता है, बर्ड्स में भी इंटरनल, मैमल्स में भी इंटरनल, तो हमसे पूछा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नोट टेक्स प्लेस इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, तो याद रखना ये ओएस्टर में, सी स्टार में, जेलीफिश में, सब में एक्सटर्नल होता है, इसमें सब में क्या होता है एक्सटर्नल, ये भी क्या है एक्सटर्नल, ये भी क्या है एक्सटर्नल, मैमल्स क्या होते हैं मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग आते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन
इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है तो आप लोग को बता चुके हैं, बर्ड्स रेप्टाइल्स। अब यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं कि बर्ड्स रेप्टाइल्स मैमल्स मैमल्स, इसके बाद याद रख लीजिएगा टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और याद रख लीजिएगा सार्क। तो मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है, बर्ड्स रेप्टाइल्स मैमल्स टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सार्क। हमसे पूछा क्या है, फ्रॉग में तो भाई एक्सटर्नल होता है, एल्गी में भी एक्सटर्नल, फिश में भी एक्सटर्नल, इंटरनल किस में होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देख लो कि कॉपुलेटरी ऑर्गेन किस में नहीं बनते हैं। याद रखना कि कॉपुलेटरी ऑर्गेन किस में नहीं बनते, नोट फॉर्म दी तो बोलो कॉपुलेटरी ऑर्गेन किस में नहीं बनते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गेन का जो है सही जवाब जल्द दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल पूछ रहा है कि कॉपुलेटरी ऑर्गेन किस में नहीं बनते हैं, तो मैमल्स में तो कॉपुलेटरी ऑर्गेन बनते हैं, इसके बाद रेप्टाइल्स में बनते हैं या नहीं बनते हैं, बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर याद रखना कि ऑक्टोपस में जो है, याद रख लेंगे कि ऑक्टोपस में कॉपुलेटरी ऑर्गेन नहीं बनते हैं, तो इसके लिए इसका आंसर होगा सी, बाकी सब सारे में कॉपुलेटरी ऑर्गेन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गैमेटोफाइट मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट, अगर गैमेटोफाइट है तो इसका लाइफ साइकिल हैप्लोइडिक, इसका करेक्ट आंसर दिए। जिस प्लांट का लाइफ साइकिल अल्टरनेशन जो है गैमेटोफाइट प्लांट मेन प्लांट अगर गैमेटोफाइट है मतलब हैप्लोइड है, तो इसमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लोइडिक होते हैं, तो याद रखना इसमें करेक्ट आंसर ये होगा। 40 का क्या होगा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैलिक्स कवर्स द होल फ्रूट्स, मतलब कौन से ऐसे फ्रूट्स है जिसमें कैलिक्स जो है होल फ्रूट्स को कवर करता है, बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 40 का 40 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैलिक्स कवर्स द होल फ्रूट्स, याद रखना कि साइलिस साइलिस का इसका आंसर याद रखना साइलिस, इसमें याद रखना कि जो है कैलिक्स पूरे होल फ्रूट को कवर करता है, तो 40 का करेक्ट आंसर। अगला 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रस साइकिल अकर्स इन, तो ये तो सवाल सिंपल सवाल है कि डॉग में ऑस्ट्रस साइकिल है, कॉम में बफेलो में वो भी होता है ऑस्ट्रस साइकिल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये। ये भी बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार बोर्ड ने पूछा था एग्जाम। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ दिस इज द डीहैप्लोइड, क्वेश्चन को चेंज कर दिया था इस बार, इसमें कि सेम क्वेश्चन था कि हैप्लोइड, हैप्लोइड का मतलब एन होता है, इग भी एन होता है, जायगोट टू एन होता है, और इंट्यूगमेंट भी याद रखना टू एन होता है, और न्यूक्लियस भी टू एन होता है, न्यूसलस होना चाहिए यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, न्यूसलस तो न्यूसलस टू एन होते हैं ध्यान रखना, और न्यूसलस के परसिस्टेंट पार्ट को ही पेरियोस्पर्म कहा जाता है, तो याद रखना हैप्लोइड पूछा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर एगो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, फोर्टी फोर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 50 क्वेश्चन का टारगेट है, आप लोग को यूट्यूब पे अपने जस्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा आधा घंटा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है बारीकी से किया गया। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 44, तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट बॉडीज गैमेटोफाइट, बार बार कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमेटोफाइट तो हम लोग याद रख लेंगे, एल्गी ब्रायोफाइट फंगी सारे हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट होते हैं, एंड पैरेंट बॉडी हैप्लोइड होते हैं, पैरेंटल बॉडी क्या होते हैं, पैरेंटल बॉडी क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। 23 में एक क्वेश्चन पूछा था, सेम सवाल था लेकिन हमसे पूछा था कि हम कौन होता है, ब्रायोफाइट इसका आंसर गया, लेकिन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से गैमेटोफाइट कौन है, तो सारे एल्गी भी गैमेटोफाइट है, फंगी भी, इसका करेक्ट आंसर
डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, देखो 45 नंबर पे आ गया कि निम्न ओ भी पैरस कौन होते हैं। अभी बार